सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं एक बार प्रॉब्लम को। द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ डी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रखे, ओके। ये मार्च 2010 में जो हमारा बैलेंस था वो दे रखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड इतने, बिल डिस्काउंटेड इतने। एन एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड सोन एज अल्टर। ये हमारे चार बिल हैं जिनकी ये ड्यू डेट्स हैं, मतलब ये ड्यू डेट्स हमारी सारी 31 मार्च के बाद की पड़ रही हैं। इसका मतलब है कि इस पे जो भी अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है वो हम निकालेंगे। तो इन्होंने बोला कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो पी एंड एल में निकालना है, सो नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे। रिबेट ऑन डिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2011, ठीक है जी, वो करेंगे हम। चलिए बिल लिख दें आप, कितने बिल अमाउंट हैं आपकी, चार बिल हैं आपके, 375,000 के, 150,000 के, 220,000 के और 480,000 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिल अमाउंट, ड्यू डेट, डेज आफ्टर 31 मार्च 2011, क्योंकि ये वो पीरियड है जो मार्च के बाद का पड़ रहा था। 375,000, 150,000, 220,000, 480,000। ड्यू डेट है 8 अप्रैल 2011, 5 मई 2011, 12 जून 2011, 15 जुलाई 2011, ठीक है। तो डेज़ की बात करें तो ये 8 ही दिन पड़ रहे हैं, इनके आएंगे तो 35, 73, 106, ठीक है जी। जो रेट की बात करेंगे, डिस्काउंट का जो रेट है वो दे रखा है 12%, 14%, 14% एंड 15%, ठीक है। सो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यह आ जाएगा 375,000 पे 8 दिन का 12% से, दिस अमाउंट 986। ऐसे इसकी अमाउंट करेंगे तो ये 2014 6160 20910 30070। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा बोला अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी हुई है तुम्हें, 202,500। इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 1 अप्रैल 10 की कितना है, 45,800, ये प्लस कर दें। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2011, 30070, ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 218,230। दिस इज डिस्काउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये वो है जो डिस्काउंट पी एंड एल में ट्रांसफर की जाएगी। तीसरा क्या पूछा है, जनरल एंट्रीज पूछी हैं। तो जनरल एंट्रीज में पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल 2010 में
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट्स ऑन बिल्स अकाउंट क्रेडिट, जो हमारी 45,800 है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। 31 मार्च 2011 में डिस्काउंट ऑन बिल्स से निकाल के रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। और 31 मार्च 2011 को जो डिस्काउंट ऑन बिल्स का बैलेंस है वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये तीनों हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो हमने सॉल्व किए, और मुझे लगता है आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। थैंक यू।